बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के इस अगले अंक में हम आपके साथ लेकर आए हैं भाषा और विचार के बारे में, किस प्रकार से बालकों का विकास होता है भाषा से, और भाषा क्यों जरूरी है, और भाषा का कैसे विकास हुआ है, क्या होती है भाषा, भाषा क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम सब जानने का प्रयास करेंगे और भाषा की परिभाषा देखेंगे दोस्तों। तो चालू करते हैं मित्रों, भाषा का विकास। भाषा अपने विचारों को दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाने की योग्यता है। इसमें विचार, अनुभूति, संदेश, वाहन को प्रतीकों जैसे सिंबल्स द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसके अंतर्गत बोलना, लिखना, सुनना, पढ़ना, चेहरे के भाव आदि पक्ष आते हैं। इसमें ध्वनि प्रतीकों के माध्यम से अपने अभिप्राय को व्यक्त किए जाने की क्षमता होती है। भाषा मानव को अन्य प्राणियों से भिन्न करती है। बालक का भाषा विकास के क्षेत्रों पर तीव्र प्रभाव पड़ता है, जैसे भाषा के विकास के साथ सामाजिकता के विकास में भी तीव्रता आ जाती है। भाषा की कहानी को मानव जाति की सभ्यता कहा गया है। भाषा की जो कहानियां हैं, मानव जाति की सभ्यता क्यों कहा गया है, क्योंकि भाषा से ही व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करता है और धीरे धीरे विकसित होता है, सभ्यता विकसित होती है। भाषा को निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, जिसमें काव्य दर्श के अनुसार यदि भाषा का प्रकाश ना होता तो हर तरफ अविद्या होती और अज्ञानता का अंधकार ही अंधकार होता, ऐसा काव्य दर्श में बोला है। महर्षि पतंजलि के अनुसार कहा है कि हम वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। स्वीट के अनुसार कहा गया है कि भाषा ध्वनियों द्वारा मानव की भाषाओं की अभिवृद्धि है। आगे इसमें बताया गया है, हील हेनरी सीसल्ड विल्ड के अनुसार और यूनिवर्सल डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में भाषा की परिभाषा इस प्रकार है कि भाषा ध्वनियों अंगों द्वारा सार्थक ध्वनि तथा सामान्य वाणी द्वारा उच्चरित ध्वनि, तरंगों से अभिव्यक्त होने वाले संवेग तथा विचार की भाषा है। इसमें उच्चरित भाषा मनुष्य तक सीमित होती है। भाषा अनुच्चरित वाक् ध्वनियों का समूह है। भाषा क्या है? अनुच्चरित जो उच्चारण नहीं होता है उनको वाक् मतलब बोल के ध्वनि के माध्यम से बता सकते हैं, कि जिसके माध्यम से पशु अपनी भावनाओं तथा आवश्यकताओं को व्यक्त कर सकते हैं। भाषा किसी राष्ट्र, समूह, जनजाति, प्रजाति अथवा कबीले द्वारा बोली जाने वाली बोली का विशिष्ट स्वरूप होता है। और भाषा ग्राफिक शैली की अभिवृद्धि करती है, मतलब बढ़ाती है, ग्राफ को बढ़ाती है शैली को, जिसमें शैली, वाणी, व्यक्तिक शैली, लेखन, भाषण आदि आते हैं। जैसे काव्य की भाषा को हम कह सकते हैं, इसमें अपनी शैलियों को हम बढ़ा सकते हैं, अनेकानेक रूप से हम इसको बढ़ा चढ़ाकर बोल सकते हैं। भाषा किसी विशेष वर्ग अथवा समुदाय द्वारा बोली जाने वाली तकनीकी भाषा का व्यवसाय की भाषा है, जैसे कानून की भाषा, विज्ञापन की भाषा आदि भाषा होती है। भाषा प्रतीकों या मुद्राओं का समूह है जो अर्थ की अभिव्यक्ति करने में प्रयुक्त की जाती है, जैसे फूलों की भाषा, प्रतीकों की भाषा। इन सभी परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि प्रतीकों के माध्यम से भाषा की रचना होती है और उसका ध्येय है व्यक्ति को भाव अभिव्यक्ति के लिए सक्षम बनाना, हम एक दूसरे की भावनाओं को पहचान सके। बालक भाषा का प्रथम पाठ अपनी माता से सीखता है, अपने परिवार के सदस्यों से सीखता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा समाज स्वीकृत प्रतीकों के रूप में हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। भाषा का क्या महत्व है, इसके बारे में हम देखें दोस्तों। भाषा के महत्व को समझें, क्या है भाषा का महत्व। भाषा के महत्व को हम इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं, मतलब बांट सकते हैं। प्रगति की शक्ति, भाषा मानव जाति का इतिहास है, यह एक संजीवनी है। मानव जाति का क्या है? इतिहास है भाषा। यह एक संजीवनी है जिसके माध्यम से व्यक्ति ने आज ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति की। उसने भाषा की शक्ति के कारण स्वयं को समाज का सर्वोत्तम प्राणी सिद्ध किया है, क्योंकि वह लिखित रूप में, मौखिक रूप में संजो कर रखता है भाषा को, तो आगे चलकर यह दूसरों को काम आती। जैसे हम ये पढ़ रहे हैं आगे कि सामाजिक वंशक्रम की वाहक है भाषा, परंपरा से चली आ रही है और इसके कारण समाज की सांस्कृतिक व अन्य प्रकार की विरासत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित, मतलब उनको दे देती है, होती रही है। आज हमारा प्राचीन साहित्य भाषा के माध्यम से ही सुरक्षित है। हम उनको पढ़ लिख कर समझ पाए हैं कि हम कौन थे और कैसे हैं, क्योंकि हमारी पैदा होते से ही ऐसी स्मृति नहीं होती है कि हम जान पाएं। हमारे ऋषि मुनियों ने लोक यात्रा को वाणी का प्रसार माना और सामाजिक संपर्क, अगला जो है महत्व है भाषा का, सामाजिक संकर्प संपर्क। भाषा सामाजिक संपर्क से विरासत होती है और भाषा के विकास के लिए समूह के सदस्य एक दूसरे के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं और क्रिया प्रतिक्रिया के द्वारा ही समाज में प्रगति होती है। नंबर 4,
नंबर 4 में आता है सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता के बारे में। भाषा सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने की एक कड़ी है। इससे राष्ट्रीयता की भावना, कह सकें हम, सामाजिक तथा राष्ट्रीयता की भावना का विकास होता है। इसी से समाज तथा एक राष्ट्र के रूप में व्यक्ति जुड़े रहते हैं। आगे देखें, भाषा के महत्व के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों हम, तो भाषा तथा विचार अगला महत्व है हमारा भाषा का। भाषा तथा विचार, भाषा तथा विचार का आपस में गहन संबंध है। यदि हम इन दोनों को अलग कर दें तो दोनों निष्प्राण हो जाएंगे। विचार तभी विचार होता है जब उसकी मौखिक और अथवा लिखित अभिव्यक्ति होती है। विचार तभी होता है जब उसकी कोई मौखिक रूप हो या लिखित रूप हो, तभी वो विचार होगा, नहीं तो कौन उसको समझेगा, जानेगा और आगे प्रसारित होगा। मानव विकास की आधारशिला है भाषा। क्या है? मानव विकास की आधारशिला है भाषा। ने जहाँ समाज तथा राष्ट्र को शक्ति प्रदान की है, वहाँ भाषा ने व्यक्ति को विकास का आधार भी प्रदान किया है। जो व्यक्ति भाषा का संयत, संतुलित एवं प्रभावशाली उपयोग करना जानते हैं, वे अपने जीवन में विकास करते हैं। वे भाषा के माध्यम से अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना भली भांति जानते हैं। नंबर 7, संस्कृति का प्रतिबिंब। भाषा क्या है मित्रों? संस्कृति का प्रतिबिंब है। भाषा के माध्यम से ही किसी समुदाय, समाज, राष्ट्र तथा व्यक्ति की सभ्यता तथा संस्कृति प्रतिबिंबित होती है। भाषा के विकास के साथ साथ सभ्यता तथा संस्कृति भी विकसित हुई है, ऐसा हम कह सकते हैं। और है ही ये कि भाषा के विकास के साथ सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ है। और भाषा नहीं होती तो हम अपनी बातों, विचारों को किस पर हम प्रसारित करते। अनेक समूहों की भाषा तथा संस्कृति इसके उदाहरण हैं कि लोगों ने अपनी अपनी संस्कृति को अपनी अपनी भाषा में संजो कर रखा हुआ है, जो आज हमको पढ़ने को आता है और विभिन्न संस्कृति को जानने का मौका मिलता है। भाषा साहित्य है। भाषा और साहित्य का आपसी संबंध है। किसी भी साहित्य को उसकी भाषा से आंका जाता है। भाषा ने ही वेद, वेदांत, उपनिषद, काव्य, नाटक, कथा आदि विधाओं में महान ग्रंथ को मानव समाज को दिया है, जिसमें संविधान सबसे महान ग्रंथ आज के वर्तमान समय में है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मानव व्यक्तित्व की शक्तिशालीनता भाषा के प्रभाव उत्पादक प्रयोग पर ही निर्भर करती है। दोस्तों आगे हम देखें भाषा के प्रकार। भाषा के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं, इसको जानने का हम प्रयास करें। मानव तथा मानव समाज के लिए भाषा का सर्वाधिक महत्व है। भाषा ही मनुष्य को अन्य प्राणियों से भिन्न एवं उच्च बनाती है। भाषा क्या है दोस्तों? मानव तथा मानव समाज के लिए भाषा का सर्वाधिक महत्व यह है कि भाषा ही मनुष्य को अन्य प्राणियों से अलग करती है, क्योंकि वह सोचने, समझने, बोलने और आदि क्षमताओं में निपुण होता है। भाषा मनुष्य तथा अन्य प्राणियों में मुख्य अंतर संस्कृति का भी होता है। पशुओं में संस्कृति का पूर्ण अभाव होता है, मतलब पशुओं में कोई संस्कृति नहीं होती है, तथा मनुष्य समृद्ध संस्कृतियों का स्वामी है। उसकी जो संस्कृति है, धीरे 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 नए नियमों और कानूनों को वह जोड़ते गया है, पुराने रूढ़ कानूनों को छोड़ते जाता है और अच्छी संस्कृति को स्वीकारते जाता है। जैसे कोरोना काल में हम देखें तो संभवतः लोगों ने अंधविश्वास को छोड़ना चालू किया होगा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपने मन मस्तिष्क में पैदा करेगा। संस्कृति के विकास एवं संरक्षण में भाषा का सर्वाधिक योगदान है। भाषा के अभाव में संस्कृति असंभव सी जान पड़ती है। सामान्य रूप से केवल बोली जाने वाली वाली बोली को ही भाषा मान लिया जाता है, परंतु यदि वैज्ञानिक का दृष्टिकोण से हम विश्लेषण करें और किया जाए तो भाषा के 3 प्रमुख प्रकार होते हैं, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 हम देखें मौखिक अथवा वाचिक भाषा। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार हम देखें तो कौन सी होती है? मौखिक अथवा वाचिक, मतलब बोलने वाली भाषा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि भाषा एक प्रकार मुंह से बोला जाता है। यह प्रकार किससे बोला जाता है दोस्तों? मुंह से। यह भाषा वाणी द्वारा कार्य करती है। वाचिक भाषा वोकल लैंग्वेज में भावों, विचारों आदि को यह प्रेषित करती है, दूसरों तक पहुंचाती है। संदेश को करने के लिए शब्दों को मुंह द्वारा वाणी में उच्चारित किया जाता है तथा संबंधित व्यक्ति अपने कानों द्वारा शब्दों को ग्रहण करके, मतलब सुन करके, उनका भाव समझ लेता है। और यह वाचिक भाषा पर्याप्त विस्तृत होती है तथा इसमें लाखों शब्द होते हैं। प्रत्येक शब्द का अर्थ निश्चित होता है, अतः सब व्यक्ति इसे समझ लेते हैं। इन शब्दों को सब व्यक्ति क्या होते हैं दोस्तों? समझ लेते हैं। नंबर 2 जो भाषा आती है, लिखित अथवा अंकित भाषा होती है, जिसको भाषा का दूसरा प्रकार होता है, लिखित अथवा ग्राफिकल लैंग्वेज। इस प्रकार के अंतर्गत
लिखित भाषा जिसको हम ग्राफिकल कहते हैं, इस प्रकार के अंतर्गत उन्हीं शब्दों का निश्चित ढंग से कागज आदि पर अंकित कर दिया जाता है जिन्हें वाणी द्वारा उच्चारित किया जाता है। इन अंकित शब्दों को देखकर संबंधित व्यक्ति भाव क्या होते हैं, समझ लेते हैं। अगली जो भाषा आती है मित्रों, सांकेतिक भाषा होती है जिसको गेस्चुरल लैंग्वेज कहते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इस भाषा के अंतर्गत भावों का आदान प्रदान कुछ संकेतों द्वारा होता है। ये संकेत विभिन्न भावों के रूप में होते हैं। भिन्न भिन्न समाज में भिन्न भिन्न संकेतों एवं भावों का भिन्न भिन्न अर्थ होता है। इसका निर्धारण सांस्कृतिक एवं सामाजिक कारकों के द्वारा होता है। तो दोस्तों, हमारे द्वारा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की जो सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें आज हमने भाषा और उसके प्रकारों के महत्वों के बारे में हमने जानने का प्रयास किया कि क्या भाषा क्या होती है, किस प्रकार से उसका विस्तृत इतिहास होता है, और इनकी क्या परिभाषा है, महत्व क्या है, और लोगों को क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता को प्रसारित होने के लिए भाषा क्यों ज़रूरी है। इन सभी के बारे में हमने विश्लेषण पूर्वक जानकारी हासिल की। यह मनोवैज्ञानिक रूप से भाषा को समझना हमारा दायित्व है और बालकों के लिए तो अति आवश्यक है, और पेरेंट्स इसको अपने बालकों को दिखाएं, पेरेंट्स खुद समझें भाषा क्या है। और यह जो हमारी मनोवैज्ञानिक सीरीज चलाई जा रही है दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अंत में आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद।